ज्यादा मतलब लोगों का डिमांड क्या होता है? ये वाम है, ये 3 लाख किलो, 1 किलो चाहिए। कम क्वांटिटी चाहिए तो भी ले सकते हैं आपको, 400 400। ये बड़ा सुन। नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार तुमचा आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल ओम दुर्वामध्ये स्वागत करतो। आज आपण भेट देत आहोत मुंबईतल्या सर्वात मोठ्या ड्रायफिश मार्केटला, म्हणजे जिथे आपण सुकी मच्छी घेऊ शकतो आणि जिथे आपल्याला स्वस्त किमतीत आणि सर्व प्रकारची मच्छी मिळू शकते। आपण आलोत शिवडी येथे असलेल्या ड्रायफिश मार्केटला। हे मार्केट शिवडी स्टेशनला अगदी लागून असून हे सकाळी 6 ते रात्री 9 पर्यंत चालू असतं। आज आपण बघू की या मच्छीचा आजचा मार्केटचा रेट काय आहे आणि इथे कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या मच्छी भेटतात। किलो साइज का फर्क होता है कि ये अलग अलग जगह का माल लेता है। ये किधर का है? 350 वाला ये अपने उत्तर का है। किधर का? मेरा रोड भाईंदर। मेरा रोड भाईंदर का। मेरा रोड भाईंदर से 50 इधर से। और ये भी उत्तर का है, बट क्वालिटी क्वालिटी का फर्क है। ये 350 या 320 ढाई सौ। ये किधर? 50। किधर का? ये अपने अरनाला का, वसई अरनाला। अरनाला, वसई अरनाला का है। ओके, और वो बड़ा है क्या वो साइज वाला? ये और हल्का क्वालिटी का, इससे भारी है। 280 रुपये किलो। मतलब ये सबसे हल्का होगा? ये सबसे हल्का हुआ है। जितना जितना पुराना होता है फिर ऐसा है क्या, पुराना हो जाता है? टेस्ट अच्छा रहता है उसका, भी ले जाएगा कितना भी जूना हो जाए। पुराना होने के बाद उसका कलर बदलता है ऐसे? हाँ, कलर चेंज हो जाएगा। मतलब ये अच्छे से लेने जैसा है तो इसका कलर ऐसा लाल थोड़ा सा रहेगा, पुराना होता है वैसा कलर पीला कलर हो जाएगा। या आप भी अपने घर पे 1 महीना के लिए कलर चेंज हो जाएगा। 1 महीने में? हाँ, लेकिन ख़राब नहीं होगा, सिर्फ कलर चेंज होगा, टेस्ट वगैरह सेम रहता है। ये जवला ना, कैसा है ये? इसमें भी क्वालिटी आता है क्या? इसमें ये एक क्वालिटी है लाल वाला। ये किधर का? ये अपने विरावल का है। ये कितने बोला? ये आएगा 220 रुपया, और ये भी 220 रुपया। ये जूना माल है, 180 रुपया। वो पुराना 180। ये दोनों 220 240। वो क्या है? मोदक, मोदका, मोदका बोलते हो। और आगे क्या है? ये मासली सुकट आएगा, टेंगली, चेवली, बोलने का सबका अंदाज अलग अलग, जिसके गाँव में जैसा जो भाषा रहता है वो ऐसा। क्या आपके क्या बोलते हैं? इधर ज़्यादा टेंगली चलता है, टेंगली बोलते लोग, चेवली सुकट बोलते हैं, मासली सुकट बोलते हैं। कितने का आता है ये? ये आएगा आपको 400 रुपया किलो। 400 रुपये? ये क्या है, बोम्बिल है क्या? नहीं, ये बोम्बिल है ना, इसका ये 300। ये कितना पुराना? मतलब पुराना नहीं, ये सब नया माल है। ये भी नया, मतलब कितना टाइम का बोल सकते हैं? कितना? इसको भी 5-6 महीने तक रहते, ये भी नहीं खराब होगा, लेकिन साफ करके रखेंगे तो। साफ करके रखेंगे तो है ना? साफ करके मतलब ऐसा है, देखो जब लेंगे अपने घर लेके जाने के बाद में मेरे पास तो ऐसा रहेगा, लेके जाने के बाद ये इसका जो सर वाला सब निकालना पड़ता है, वो निकाल के रखेंगे तो ज़्यादा दिन करके से इतना बड़ा बड़ा पीस करके आप डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में पार्सल करके 6 महीना रखेंगे तो इससे फिर। लेकिन ऐसा ही लेके जाके थैली में रख दिया तो कीड़े पड़ जाएंगे खराब? हाँ, मतलब जाने के बाद इसको साफ करके रखना पड़ेगा। ये भी बोल दीजिए। अरे ज़्यादा है, इससे थोड़ा महंगा आएगा, 350। ये कैसा बोला? 350। ये 300, ये 350, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। लेकिन एक बात और है भाई, आपके जो भाव से इसमें कर रहे हैं वो हमेशा वही भाव नहीं रहे, बदलता रहता है। जैसे मच्छी का तो मार्केट, ये मार्केट है, जैसे जैसे माल अगर कम आया तो भाव ज़्यादा हो जाता है, और अगर माल ज़्यादा आया तो भाव कम हो जाता है। जैसे अपना गीला मच्छी होता है, फ्रेश मच्छी, उसका ऊपर नीचे होता है, ऐसे इसका जितना माल आएगा उसके ऊपर रेट कम ज़्यादा होगा। ये अभी का रेट है, अभी का रेट है, कल का नहीं बता सकते, कल का चेंज हो सकता है, 10 दिन के बाद चेंज हो सकता है, तो भी चेंज हो सकता है। ये अपना बाजार ऐसा है कि आपके पास
सिर्फ शिवडी में, आता है जाता आता जाता रहता है। इधर कितना टाइम, क्या टाइम रहता है मार्केट का? सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे मार्केट, सुबह 6 बजे लग जाएगा। सुबह 6 बजे से 11 बजे होलसेल रहता है। ये बाहर मतलब अपना ही दुकान बाहर रहता है? अपना भी दुकान है, पूरे को सबसे पहला दुकान अपना रहता है 6 से 11। और उसके बाद दोपहर को बंद रहता है? दोपहर को बंद नहीं रहता, 11 बजे के बाद दुकान पे लगाते हैं। दुकान भी चालू हो जाता है, तो दुकान लेता है उसके, मतलब दिन भर ये चालू रहता है। तो 6 बजे जो चालू हो जाए वो शाम को 9 बजे तक चालू रहता है। फिर सुबह जाएंगे तो उधर रहेगा, बाकी दिन भर इधर देखा। वो क्या है सिंगाड़ा, सब कुछ मिलेगा। सुरमई का टुकड़ा भी मिल जाएगा, अच्छी सुरमई भी मिल जाएगी, वाप मिल जाएगा, डोमा मिलेगा, सिंगाड़ा मिलेगा, पापलेट भी मिलेगा, बागड़ा भी मिलेगा। लेकिन मेरे को बताओ, जैसे लोग जवला या करदी बहुत ज़्यादा लेते हैं, वैसा ये जो आप बोल रहे हैं सुरमई वगैरह, इसको बांगड़ा तो लेते हैं पता है मेरे को, लेकिन ये सुरमई पीस वगैरह भी लेते हैं लोग? सूखा मच्छी में लेते हैं क्या? सब लेते हैं। देखो ये क्या है, सुरमई का टुकड़ा है। इसको नमक लगा क्या? ये नमक नहीं लगा खराब हो जाएगा। हाँ वो तो इसमें वो रेडी नमक लगा के लाता है, उसके बाद में जब हम लोग अपने सारे में के डब्बे में लगाते हैं ना, तब भी नमक लगाते हैं इसमें। ये वाम है, ये पीला वाम है, ये 600 रुपया किलो आएगा। 600 रुपया किलो आएगा। इसमें फिर भी बोले तो अगर ऐसा पीस रहेगा तो किलो में कितना पीस आएगा? किलो में अंदाज से, अंदाज से ये कितना है? 1 किलो में वैसे आप अपने इधर जितना आप चाहिए ही उतना भी हम दे सकते हैं। जैसे आधा किलो, 1 किलो चाहिए तो हम लोग कट कम क्वांटिटी चाहिए तो भी ले सकते हैं। इसमें का एक और आता है सस्ता है, कम से कम मिल जाएगा आपको 250-200 रुपया किलो आता है। लेकिन ये पीला एक महंगा आता है, ये इसमें उसमें मतलब वो हल्का होता है तो पीला पीला रहेगा, उसका रेट ज़्यादा है, ज़्यादा ये अलग ही रहता है। और सुरमई का टुकड़ा कैसे बोले? सुरमई का टुकड़ा यहाँ आएगा आपको 400 रुपये किलो। 400? ये बड़ा सुरमई है? हाँ बड़े सुरमई का टुकड़ा, छोटे सुरमई का टुकड़ा भी आएगा, लेकिन लगाया भी है, कल लगाएगा। और बाकी खारा फिश में क्या है, वो क्या है दिखाएंगे? सुरमई कैसे बोला? सुरमई 400 रुपये। 400 रुपये की माला पूछा था। ये डोमा ये रखा हुआ, ये कैसे? 180 रुपये किलो मिल जाएगा। 180 रुपये किलो अभी के लिए 180 रुपये किलो। 180, 200, 220 तक चेंज होता रहेगा, जैसे आएगा ज़्यादा सप्लाई रहेगा तो थोड़ा रेट 20-25 रुपये ऊपर नीचे होगा। बाकी होलसेल में 100-200 किलो 500 किलो तक चाहिएगा तो भी मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा रनिंग रहता है तो शायद इसका रेट इतना चेंज नहीं होता रहेगा, ये बाकी जो माल है वो चेंज ज़्यादा होता रहेगा। पापलेट वगैरह है? हल्का और भारी सब मिला के 300 रुपये किलो। साइज का भी फर्क रहेगा? साइज का भी फर्क रहेगा और क्वालिटी का भी फर्क रहेगा। ये सबसे हाई क्वालिटी का है मेरे पास, इसमें इसका भाव है 2000 रुपये। ये 2000 रुपये किलो है? किलो है। और ये सबसे लो क्वालिटी का, इसमें 300 किलो आ जाएगा। ये सिंपल लेता का हुआ, मतलब सोडा लेने का रहेगा तो 300 रुपये से 2000 रुपये किलो तक आएगा आएगा मेरे पास। 4-5 क्वालिटी रहेगी, वराइटी और क्वालिटी के उस ऊपर है, साइज के भी ऊपर फर्क पड़ेगा। ये मांदेली कैसा आता है? मांदेली 200 रुपये किलो मिल जाएगा, 200-180 रुपये किलो। तो अपना यही आएगा सोडा है जो वो सबसे ज़्यादा महंगा आएगा। और अपने पास ज़्यादा मतलब लोगों का डिमांड क्या होता है? ये सब चलता है, सबसे ज़्यादा ये चलता है मेरे हिसाब से, सब चलता है। हाँ क्या इसको जैसा जो पसंद रहता है वो अपनी पसंद के आके लेके जाता है। सही है। तो मार्च अप्रैल और मई
तब रेट का क्या होता है, मतलब ऐसे रहता है कि इससे सस्ता, क्योंकि ज़्यादा बंदा रहता है उसका सस्ता सस्ता। और सुबह क्या बोल रहे थे आप, सुबह फर्क रहता है सुबह में, ज़्यादा लोग सुबह आते हैं ऐसे, इसलिए धंधा करने पूरे मुंबई में जैसे माल जाता है, पूरे बोले तो पूरे मुंबई में। आपका नाम क्या है? नितेश। ये अपना शिवडी स्टेशन के सामने है, फाटक से सीधा शिवडी फाटक जो है उसके सामने ही अपना ये स्टॉल है। अपना स्टॉल का नंबर क्या है? शॉप नंबर 9 है। ये अपना टाइम सुबह 7 से 6 से लेके शाम को 9 बजे तक रहता है। मित्रांनो, आपण आज जाणून घेतलं की शिवडी ड्रायफिश मार्केटमध्ये आपल्याला कोणत्या कोणत्या प्रकारची मच्छी भेटू शकते आणि त्यांच्या सध्याच्या किमती काय आहेत। आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये याचं डिटेल लोकेशन देत आहोत, तुम्ही नक्की या मच्छी मार्केटला भेट द्या आणि तुमचे अनुभव आम्हाला या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक आणि शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू फॉर वॉचिंग।